ग्लोबल प्रोफेशनल फर्म एऑन की एक सर्वे की माने तो इस साल भारत में निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों की सैलरी में एवरेज 9.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं एडवाइजरी कंपनी ईवाई के सर्वे में भी इस साल इसी तरह की बढ़ोतरी के अनुमान जाहिर किए गए हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा सैलरी हाइक होगा, साथ ही सैलरी हाइक के इन सर्वेक्षणों के आधार क्या हैं, और इस पर भी एक्सपर्ट से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्वेस क्या कह रहे हैं, इस साल आपकी सैलरी, आपका इंक्रीमेंट किस तरह का होने जा रहा है, आपके सेक्टर के लिए स्पेसिफिक क्या क्या अपडेट्स हैं, सारी बातें खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। निजी क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए सैलरी हाइक को लेकर एक अच्छी खबर है। ग्लोबल प्रोफेशनल फर्म एऑन के एक सर्वे के मुताबिक भारत में कर्मचारियों की सैलरी में एवरेज 9.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। जियोपॉलिटिकल उथल पुथल और हाल के दिनों में नौकरियों में हुई छटनी के बावजूद सैलरी में करीब डबल डिजिट की ग्रोथ अच्छे संकेत दे रही है। ये सर्वे देश के 45 सेक्टर के 1400 से अधिक कंपनियों के डाटा पर आधारित है। एडवाइजरी कंपनी ईवाई के सर्वे में भी प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हाइक को लेकर कुछ इस तरह के ही आंकड़े सामने आए हैं। ईवाई के मुताबिक इस साल सैलरी हाइक में एवरेज दर 9.6% रहने की उम्मीद है, जबकि कॉर्न फेरी इंडिया कंपनसेशन सर्वे के मुताबिक ये आंकड़ा और उत्साहजनक है, यानी सैलरी बढ़ोतरी की दर इस साल 9.8% रह सकती है। कुल मिलाकर 10% के आसपास की सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। एऑन की माने तो इस साल 4 में से 3 कंपनियां 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर सकती हैं। वहीं 10.1% सैलरी हाइक की उम्मीद के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे आगे रहेगा। इसके बाद 9.5% के साथ प्रोडक्ट्स कंपनी और 8.25% के साथ सर्विस कंपनी सैलरी हाइक दे सकती है। वहीं कॉर्न फेरी इंडिया के सर्वे के मुताबिक इस साल फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड प्रोडक्ट्स कंपनीज, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और रिटेल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा 10% सैलरी हाइक हो सकती है। वहीं ऑटोमोटिव सेक्टर में 9.7%, कंस्ट्रक्शन एवं बिल्डिंग मटेरियल में 9.6%, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर में 9.5% की सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। एऑन के सर्वे में संकेत मिलते हैं कि भारतीय स्टार्टअप कंपनियां देश के विकास के साथ कदम ताल करने को तैयार हैं। यही वजह है कि नई नई स्टार्टअप कंपनियां भी पुरानी आईटी कंपनियों की तुलना में बेहतर सैलरी हाइक कर सकती हैं। एऑन का ये सर्वे इसलिए भी अहम है क्योंकि दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा सैलरी हाइक की उम्मीद जताई गई है। इसके बाद 7.3% सैलरी हाइक के साथ बांग्लादेश और 6.5% सैलरी हाइक के साथ इंडोनेशिया का नंबर है। एऑन के सर्वे से एक और बात साफ हुई है कि लोगों की नौकरियों में स्थिरता आई है। सर्वे के मुताबिक 2022 में नौकरी छोड़ने की दर जहां 21.5% के करीब थी, वहीं पिछले साल यानी 2023 में नौकरी छोड़ने वालों की संख्या में गिरावट आई और ये गिरकर 19% पर आ गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि घरेलू कंपनियों की ग्रोथ की कहानी भारत के विकास की बयार में अपना योगदान देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।